गाइस मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 24 साल के युवक ने दादी की उम्र की एक महिला से शादी की जिसकी एज इस वक्त बताई जा रही है कि 81 ईयर है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चे का विषय बनी हुई है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। प्यार बहुत ज्यादा मायने रखता है ना जिंदगी में। प्यार एक्चुअली अलग अलग तरीके का होता है। आप अपनी मम्मी से करते हैं, पापा से करते हैं, अपने छोटे भाई बहन से करते हैं, बड़े भाई बहन से करते हैं, या अपने प्रेमी से करते हैं, प्रेमिका से करते हैं। प्यार अलग अलग होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब शादी के बंधन में बंधने वाले होते हैं, कुछ शादियां ऐसी आती हैं सामने कि वो हैरान कर देती है। कुछ ऐसी शादियां जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कि 24 साल के एक लड़के ने 81 साल की एक महिला के साथ शादी की। कुछ लोग ऐसे, ये शादियां एक्चुअली बहुत सारी होती रहती है, पर उन शादियों के पीछे की वजह ये होती है कि जो ज्यादा एज का जो महिला या आदमी रहता है उसके पीछे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और उसके कोई भी दावेदार नहीं होता। तो कोई भी ऐसी छोटी लड़की या छोटा लड़का ऐसे शादी कर लेता और उसके बाद उनके मरने के बाद उनसे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो उनके नाम पे हो जाते हैं। ये सब किस्से हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। पर ये जो महिला है ये 81 साल की है और ये जो लड़का है वो एक्चुअली अलेक्जेंड्रा करके इसका नाम है, जिसकी उम्र 24 साल है। उसने ना तो पैसे के लिए शादी की और ना ही वहां पर प्रेम दिखाई दे रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसकी वजह कुछ अलग ही है। ये मामला यूक्रेन से आ रहा है। यूक्रेन की सेना एक्चुअली वहां का जो सरकार है, वहां के सरकार का ये मानना है कि कोई भी युवक होता है और जो कि 20 से 24 साल के बीच में आ जाता है उसको सेना में जाना पड़ता है और उसको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर ऐसे लोग हो कि अपने सेना की जो ट्रेनिंग ली तो लोगों को भी मदद कर पाए। पर इस अलेक्जेंड्रा को एक्चुअली सेना में नहीं जाना था, तो इसीलिए इसने अपनी दादी की उम्र के जो महिला थी उसके साथ शादी कर ली। और वहां की पुलिस ये चीज बोल रही है कि इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, अगर कोई भी किसी से शादी करता तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते। अभी आप लोगों को ये चीज बता दूं कि वो बच कैसे गया। वो इसलिए बच गया क्योंकि वहां पर एक्चुअली ये रूल्स है कि अगर कोई भी, अगर किसी की भी मतलब कि बुजुर्ग जो माँ है या कोई दादी है या कोई भी है, रिश्ते में होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी उनके सर पे होनी चाहिए, वो लोग सेना में अगर चाहे तो नहीं जा सकते हैं। तो उनके पास स्ट्रांग रीजन चाहिए। तो इसीलिए यहां पर उसने शादी कर ली और उसके पास स्ट्रांग रीजन आ गया कि उसको 81 साल की उसकी पत्नी की सेवा करनी है और उसको देखभाल करनी है, इसीलिए उसने सेना से जाने से मना कर दिया क्योंकि वहां की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। आई होप गाइस इसके अजीब और गरीब शादी के बारे में जान के आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए, क्योंकि हर एक शादी के पीछे जो कि ऐसी होती है उसके पीछे कोई ना कोई तो फायदा होता है। क्या आप भी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।